और हमारे इन सात चक्रास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सात कलर्स हैं योग शास्त्र की भाषा में, जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विद्युत इंद्रधनुष बोलते हैं। आपका मूलाधार चक्र का रंग होता है रेड। इस मतलब क्या है इसका कि जो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी आपके मूलाधार चक्र की। अब ऐसे करते करते ऊपर आते जाइए, यहां पे इस कलर का रंग है इंडिगो, इस आज्ञा चक्र का, क्योंकि भगवान यहां पर वास करते हैं इसलिए उनकी स्किन का कलर ब्लू दिखाया जाता है, क्योंकि वो यहां पर वास करते हैं। देखा कैसी साइंस महापुरुषों ने आई थी, अंदर है भगवान यहां पर वास करते हैं। यही कारण है भगवान के जितने मंदिर होते हैं आप ऊंचाई पर बनाते हैं, भगवान के ज्यादातर जो तीर्थ स्थान है, केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, अमरनाथ चले जाइए, माँ वैष्णो देवी चले जाइए, माँ कामाख्या देवी चले जाइए, वो पर्वतों के शिखर पर बने, आपको चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है। सोचा कभी माँ ने पर्वतों का निवास स्थान क्यों चुना भगवान? कहीं जमीन पर प्लेन एरियाज में होते भक्तों को पहुंचना भी आसान होता, अभी कितना मुश्किल चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है। ये बताने के लिए जैसे धरती पर मैं शिखर पे वास करती हूँ माँ कहती है, ऐसे मानव तन के अंदर भी मैं शिखर पे वास करती हूँ, चढ़ाई चढ़ के यहां पर पहुंचो, वो मॉडल है, वो वास्तविक नहीं। आप छोटे बच्चे को जब एबीसीडी सिखाते हो ना, एक बुक होती है और आप कहते हो बेटा ए फॉर एप्पल और उसे एप्पल दिखाते, क्या उस एप्पल से बच्चे का पेट भर सकता है जो दिखा रहे हो? फिर क्यों दिखा रहे उसे?